जैसे कि दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने रिपेयर टेबल पे और यह है हमारा रिपेयर का टेबल। और अभी जैसे हमने बताया हमारे पास दो बल्ब है रिपेयर करने के लिए, एक कंपटन की 7 वाट की है और दूसरा हमारे पास ये सूर्या की बल्ब है। अभी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है और आप इसको सरल तरीके से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर में फर्स्ट हम इसको इसका डिफ्यूज़र करेंगे, इसका दर से ओपन, और देखने में तो इसकी एलईडी फिलहाल ठीक ही दिख रही है। हम लोग अब उसके बाद इसको लगाएंगे सीरीज लैंप में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज लैंप में ब्लिंक कर रहा है, उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वोल्टेज कहीं से फ्लक्चुएशन हो रही होगी जिसकी वजह से बराबर कंटिन्यू वोल्टेज नहीं होगी, तो हम लोग मल्टीमीटर को लेके रखेंगे डीसी वोल्टेज में और उसके दोनों कोप से पॉजिटिव को लगाएंगे पॉजिटिव पे और नेगेटिव को लगाएंगे नेगेटिव पे और हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज। जैसे कि हमें आप देख रहे हैं मल्टीमीटर पे हमें 98 वोल्ट थोड़ा सा रोशनी की वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है आइडेंटिफाई करने में, लेकिन इसका मतलब है कहीं ना कहीं ड्राइवर से सप्लाई बराबर आ रही है और हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसकी MC PCB में प्रॉब्लम है। हम फिर इसको नोजल से एक एक बल्ब को ऐसा शॉर्ट करके चेक करेंगे कि इसके अंदर की कौन सी बल्ब फेलियर है। थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो रही है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, चूँकि ये कंटिन्यू चल रही है बल्ब। ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके लिए हम लोग इसको तो दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं इसकी असेंबली बल्ब को ही हम लोग इस MC PCB प्लेट को ही रिमूव करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग एक बार नई इसके अंदर MC PCB प्लेट माउंट करके देखते हैं, अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर देखेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, फिर इसके एकदम डीप तक हम लोग अंदर चेक करेंगे। और हमारे पास जो दूसरी बल्ब है उसको एक बार हम लोग सीरीज लैंप पे लगा के हमने दूसरी बल्ब, तो दूसरी बल्ब में हल्का हल्का ग्लो हो रहा है, तो इसको भी हम लोग ओपन करके इसका डिफ्यूज़र, जैसे कि इसमें हम लोगों को लग रहा है कि जो ये इसकी MC PCB है वो बर्न हो गई है, एक बार फिर भी हम लोग इसका इनपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे SPF ड्राइवर से जो सप्लाई हमें चाहिए होती है वो हमें प्रॉपर मिल रही है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मीटर में 107 या 106 वोल्टेज हमें इनपुट मिल रही है DC, इसका मतलब हमारा ड्राइवर बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी MC PCB में प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं ये MC PCB बुरी तरह से बर्न हो गई है, और MC PCB की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसका प्रॉब्लम का मेन ये है कि अगर इसके अंदर प्रॉपर हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगा होता है, अगर हीट आपका बराबर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इसकी वजह से LED ऐसी बर्न हो जाती है, क्योंकि जो इसके अंदर SMD माउंटिंग होती है आपका 1 वाट 9 वोल्ट और 100 mA की, इसके अंदर LED माउंटिंग रहती है। LED का हम लोग कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, और अगर आप इसके अंदर जो इसका हमारा लूमेंस होता है वो 140 लूमेंस से 150 लूमेंस अगर अच्छी SMD LED माउंटिंग है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अगर हीट होती है, अगर हीट प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होगी तो जैसे आप देख रहे हैं इस टाइप की LED बर्न हो जाती है, और हम लोग इसको करेंगे अभी रिप्लेस। वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को आप लाइक कमेंट और शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग अभी दोनों जो हमारे पास
दोनों बल्ब हैं उस उन दोनों की हम लोग MC PCB चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट इसका करते हैं, नट को रिमूव। और हम लोग करेंगे इसकी भी MC PCB। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस वजह से ये MC PCB फेलियर हो सकती है। ये हमारे पास दो ओरिजिनल प्लेट है और इन दोनों में जो हमारे पास बल्ब माउंटिंग हुई है वो एवर स्टार की बल्ब है। इसका भी 1 वाट 9 वोल्ट और 100 mA की है। तो जो प्रॉब्लम आई थी उसके लिए हम लोग फर्स्ट इसमें अपना इना बॉन्ड 652, इसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है 1 TC और जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -25 डिग्री से आपका 200 डिग्री सेल्सियस तक है। और ये कभी भी आप लाइट LED या MOSFET या IGBT या ऐसा कुछ आप इक्विपमेंट अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आप उसके अंदर मैंडेटरी हीट सिंक कंपाउंड लगाइए। और ऐसा आप लोकल हीट सिंक कंपाउंड मत लगाइए जैसे चूना घोर के आपको दे देते हैं। आप अगर वो लगा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हमने अभी देखा तो ये ऑलरेडी एक बार बल्ब जो हमने अभी रिपेयर कर रहे हैं वो एक बार रिपेयर हुई थी और कोई किसी ने इसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से अच्छा हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगाया, जिसकी वजह से इसकी बल्ब बहुत जल्दी बर्न हो गई है। तो हम लोग फर्स्ट इसके अंदर ऐसे प्रॉपरली हीट सिंक कंपाउंड इस तरह से लगाएंगे। हीट सिंक कंपाउंड अगर प्रॉपर तरीके से लगा रहेगा तो बल्ब का जो लाइफ साइकिल रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का रहता है, नहीं तो बल्ब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपने अभी देखा ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बल्ब के अंदर अगर उसकी हीट जो है प्रॉपरली अगर ट्रांसफ़र नहीं होती तब। और हम लोग ने इसको कर लिया है और इसके अंदर हम लोग करेंगे स्क्रू माउंट। और इसी तरह से हम लोग दूसरी वाली प्लेट पे भी प्रॉपर तरीके से हीट सिंक कंपाउंड लगा के और इसके दोनों होजल को इस तरह से करके और इसके स्क्रूज को आपको बराबर अच्छी तरह से आपको लगाना है। इसके स्क्रू को आपको अच्छी तरह से लगाना है जिससे कि लूज कनेक्शन, अगर इसका स्क्रू अगर प्रॉपर तरीके से अगर टाइट नहीं रहेगा थोड़ा सा भी लूज रहेगा तो इसके अंदर MCB PCB और प्लस हीट सिंक आपका हीट सिंक के बीच जो पेस्ट लगा हुआ उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर जगह रहेगी इसके अंदर से बबल्स बनने लगते हैं जिसकी वजह से इसका हीट प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और कम जल्दी ही आपकी MC PCB ख़राब हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा हमने इसको प्रॉपर तरीके से कर लिया है और हम लोग थोड़ा सा इसमें लगाएंगे पेस्ट।
रेड वाले को प्लस में और ब्लैक वाले को। तो हम लोग इसको करेंगे टेस्ट सीरीज लाइन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बराबर तरीके से ग्लो कर रहा है, और हम लोग कंपन की बल में भी करेंगे सोल्डिंग। रेड वाले को प्लस में और ब्लैक वाले को माइनस में। ना तो दोस्तों ये प्रॉपर तरह से सोल्डिंग हो गई है, और हम लोग इसको करेंगे चेक। कहीं ना कहीं इसके जो पहले एम सी बी पी सी बी लगी हुई थी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे पास अभी कुछ रिपेयर के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, जिसको हम लोग करेंगे रिपेयर। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपके पास ऐसा ओल्ड ड्राइवर आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं।